शव बरामद, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोली मारकर सनसनीखेज वारदात को दिया अंजाम। पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज। सड़क हादसे में 5 की मौत, पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेजा। आए दिन अखबारों में छपने वाली इस तरह की हेडिंग से तो आप वाकिफ होंगे। हो सकता है आपके किसी करीबी की डेथ भी अननेचुरल तरीके से हुई हो और शायद आपको भी पोस्टमार्टम के लिए परेशानी पड़ी हो। दरअसल आज इन सभी बातों पर चर्चा करने का कारण है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पोस्टमार्टम से जुड़े प्रोटोकॉल में बदलाव। साथ स्टोरी में हम इस बात पर भी जोर डालेंगे कि नए नियमों से अंगदान को कैसे बढ़ावा मिलेगा। दरअसल पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल में मुख्य बदलाव है समय का, जिसके तहत अब किसी भी समय शव परीक्षण करने की अनुमति दे दी गई है, भले इसके लिए प्राकृतिक रोशनी हो या ना हो। हालांकि ये काफी हद तक अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं पर भी निर्भर करेगा। वहीं दूसरी ओर हत्या, आत्महत्या, रेप और संदिग्ध हालातों के मामलों में रात में पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब कोई स्पेशल कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई स्थिति ना हो। आपको बता दें कि हर मौत पर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय होता है, जैसे सड़क हादसा, आत्महत्या, हत्या या तब जब किसी के मौत का कारण नहीं पता हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य और मंत्रालय का कहना है कि सूर्यास्त के बाद शव परीक्षण को लेकर कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, लेकिन केवल दिन के उजाले में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लंबी खींचने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर छोटे शहरों में। साथ ही इससे ऑर्गन डोनेशन में भी फायदा मिलेगा। ऑर्गन डोनेशन का एक तरीका होता है जिसमें कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसमें मौत से पहले ही निकालना होता है, जिसके लिए मौत से पहले इंसान के ब्रेन को डेड कर दिया जाता है, जिसमें इंसान के शरीर को वेंटिलेटर और कई दूसरे तरीकों से आर्टिफिशियली जिंदा रखा जाता है। किडनी, हार्ट और पैनक्रियाज को डोनेट कर सकते हैं। पीएम का प्रोटोकॉल बदलने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जिन ऑर्गन डोनेशन में चेंज आएगा वो है आंखें, हड्डी और स्किन। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज भारत में 1.5 लाख लोगों के रोड एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि 3 लाख आंखें। और ब्लाइंडनेस को खत्म करने के लिए देश में करीब 2.5 लाख आंखों की जरूरत है, जबकि देश में डोनेशन का आंकड़ा केवल 25,000 है। आंखों की बात करें तो उसके लिए जरूरी है मौत के बाद जल्द से जल्द उसे निकाला जाए। अभी के प्रोटोकॉल के मुताबिक दिन में ही पोस्टमार्टम होता है। मान लीजिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम होता है, जिसमें केवल 8 घंटे ही मिलते हैं। ऐसे में डॉक्टर केवल 1/3 ही अंग निकाल पाते थे, मगर अब इसमें इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।